एबी इस साइड में आएगा, ए हाफ लाइन हो गया, और एसी इस साइड में आएगा, नेक्स्ट साइड में वो हाफ लाइन हो गया, इसको हाफ लाइन बोलेंगे। पैरेलल लाइंस किसको बोलेंगे? जैसे यहाँ पर दो लाइन हमने दे दिए, ए और बी और सी और डी। अब अगर ये दोनों लाइन सीधे होते हैं तो ये दोनों लाइन क्या है कि कहीं पे भी जाके नहीं कटेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो कितना भी इंडिफिनेटली इसको बढ़ाते रहिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसी को पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नॉट कॉमन पॉइंट। मतलब दो लाइन पैरेलल बोलेंगे जब उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो। मतलब वो कितना भी आप इनडेफिनेटली एक्सटेंड कीजिए, दोनों एक दूसरे को कहीं पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे, उसको पैरेलल लाइंस बोलेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे? इट विल बी डिनोटेड एज ए बी पैरेलल टू सी डी। परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलेंगे? जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया ए बी, एक लाइन ड्रॉ कर लिया सी डी, और दोनों इसको एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, पॉइंट ओ पे। इस टाइप से बाइसेक्ट करता है कि इनके बाइसेक्टिंग पॉइंट पे जो एंगल बनता है, ये अगर 90 डिग्री का है, ये एंगल अगर 90 डिग्री का है, तो AB इज परपेंडिकुलर टू CD एंड CD इज परपेंडिकुलर टू AB। मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। इफ टू लाइंस बाइसेक्ट ईच अदर इन सच ए मैनर दैट द एंगल फॉर्म्ड एट द बाइसेक्टिंग पॉइंट इज राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री, देन दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और डिनोट कैसे होगा? ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी।